नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है, मराठा साम्राज्य। देखिए, मराठा साम्राज्य पे एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे कंप्लीट स्टडी किया। आज हम क्या पढ़ेंगे, इस का हमारा मेन टॉपिक क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट स्टडी किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में हुआ और 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1674 में वो खुद को शासक घोषित करते हैं, यानी 1674 में वो छत्रपति बनते हैं, अपना राज्याभिषेक कराते हैं। तो अब देखिए, 1674 से लेकर 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1680 के बाद आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि 1680 जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हो जाती है, 1627 में जन्म होता है और 1680 में मृत्यु हो जाती है। तो फिर देखिए, 1680 में जब उनकी मृत्यु होती है तो जो उनके बड़े बेटे थे संभाजी महाराज, वो छत्रपति बनते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज, उनका राज्याभिषेक 1680 में होता है और 1689 तक वो शासन करते हैं। 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज से रिलेटेड। कवि कलश कौन था, इन्होंने कवि कलश को अपने मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। यानी जो कवि कलश था वो छत्रपति संभाजी महाराज के दरबार में उसको एक अच्छा स्थान प्राप्त था, वो एक बड़ा अधिकारी था। और छत्रपति संभाजी महाराज की राजधानी के बारे पूछा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज की राजधानी कौन सी थी, तो इनकी राजधानी थी रायगढ़। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं इस समय मुगल बादशाह कौन था जो उत्तर में शासन करते थे। मुगल बादशाह यानी कि मुगल साम्राज्य का जो शासन था उस समय, मुगल बादशाह था औरंगजेब। तो क्या होता है, औरंगजेब का एक पुत्र जिसका नाम था अकबर, वो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और वहां से भाग जाता है। और जो छत्रपति संभाजी महाराज है उनसे आके वो शरण मांगता है कि मुझे शरण दे दीजिए, और जो छत्रपति संभाजी महाराज थे उसको शरण दे देते हैं। तो फिर क्या होता है, जो औरंगजेब था वो इसका पीछा करता है और इसके कारण छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश की मृत्यु हो जाती है। कवि कलश की हत्या कर दी जाती है 1689 में। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी जाती है मुगलों द्वारा, मुगल सेनाओं द्वारा। और अगर कारण पूछा जाए कि औरंगजेब ने इनके ऊपर आक्रमण क्यों किया था, क्योंकि उसने क्या कहा था कि जो उसका पुत्र था अकबर, उसको छत्रपति संभाजी महाराज ने शरण दी थी। देखिए, जब अकबर ने छत्रपति संभाजी महाराज से शरण मांगी तो छत्रपति संभाजी महाराज ने उसको शरण दे दी। और इसके कारण क्या होता है, जो औरंगजेब है वो इनके ऊपर आक्रमण कर देता है और 1689 में जो छत्रपति संभाजी महाराज थे उनकी हत्या कर दी जाती है मुगल सेनाओं द्वारा। अब देखिए क्या होता है, जो राजा राम थे इसके बाद वो छत्रपति बनते हैं, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, संभाजी महाराज के भाई थे, वो फिर छत्रपति बनते हैं 1689 में और 1700 तक शासन करते हैं। और इनके जो ये शासन है इसमें ये निरंतर मुगलों के खिलाफ लड़ते हैं। तो आपको याद रखना है 1689 से लेकर 1700 तक राजा राम का शासन रहा, छत्रपति राजा राम का शासन रहा। तो फिर क्या होता है, इनकी राजधानी आपको याद रखनी है कि इनकी राजधानी सतारा थी, राजधानी रायगढ़ थी छत्रपति संभाजी महाराज की, और इनकी राजधानी थी सतारा। अब देखिए क्या होता है, जब औरंगजेब यहां पर आक्रमण करता है तो इस समय जो छत्रपति संभाजी महाराज थे इनका पुत्र था साहू, जो उस समय केवल 7 वर्ष का था। तो जब औरंगजेब आक्रमण करता है तो वो साहू को बंदी बना लेता है, और इनके परिवार के जो छत्रपति संभाजी महाराज थे इनके परिवार के कुछ सदस्यों को बंदी बना लेता है, और इनके बेटे साहू जो उस समय 7 वर्ष के थे उसको भी बंदी बना लेता है। तो फिर जब साहू को बंदी बना लिया जाता है और संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो फिर राजा राम शासन करते हैं और साहू को कैद कर लिया जाता है। फिर देखिए क्या होता है, आप सभी जानते हैं 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु, और इसके बाद जो मुगल बादशाह बनता है औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह, जिसको मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता था, वो क्या करता है, वो साहू को
रिहा कर देता है, उनको छोड़ देता है और साहू रिहा हो जाते हैं। फिर देखिए यहां पे क्या होता है, 1700 में जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो इनका जो पुत्र था उसका क्या नाम था, शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय किसका पुत्र था, शिवाजी द्वितीय छत्रपति राजा राम का पुत्र था। यह इस समय बहुत छोटा होता है और इसकी जो माता है और राजा राम की जो पत्नी है ताराबाई, वो शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के तौर पे शासन करती है। यानी राजा राम की मृत्यु के बाद शासन कौन करती है, ताराबाई। और इनके पुत्र का क्या नाम था, शिवाजी द्वितीय, जो उस समय लगभग 4 वर्ष का था। फिर देखिए जब इस साइड यहां पे साहू महाराज यहां से रिहा हो जाते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसको रिहा कर दिया जाता है, तो फिर एक युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध, और यह युद्ध कब होता है, 1707 में। इस युद्ध, यह युद्ध किस किस के बीच होता है, यह होता है ताराबाई जो शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका थी और साहू के बीच। तो पूछा जा सकता है खेड़ा का युद्ध 1707 में किस किस के बीच हुआ, ताराबाई और साहू के बीच हुआ। और इस युद्ध में साहू विजयी होते हैं और खुद को छत्रपति, यानी उनका फिर राज्याभिषेक होता है। और फिर जो छत्रपति साहू महाराज, जो अब छत्रपति बने साहू, तो जो छत्रपति साहू महाराज, मैं यहां पे लिख देता हूं, छत्रपति साहू महाराज, इनका शासन कब से कब तक चलता है, इनका शासन चलता है ये 1707 में खेड़ा के युद्ध में जीतने के बाद अपना राज्याभिषेक कराते हैं, और 1749 में जब तक इनकी मृत्यु होती है तब तक ये शासन करते हैं। अब देखिए क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका जो मंत्रिमंडल था उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से। और उसमें सबसे प्रमुख पद पेशवा का होता था। यहां पे देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि उसमें सबसे प्रमुख पद पेशवा का होता था। तो यहां पे क्या होता है, जब छत्रपति साहू महाराज शासन करते हैं तो ये अपना पेशवा बनाते हैं बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ, ये पेशवा नियुक्त किए जाते हैं छत्रपति साहू महाराज द्वारा। और कब नियुक्त किए जाते हैं, 1713 में, और 1720 तक पेशवा के पद पे बने रहते हैं। यहां से देखे क्या होता है, जब छत्रपति साहू महाराज का शासन होता है और बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनाए जाते हैं, तो यहां से पेशवा का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण पद हो जाता है। देखिए यहां पे भी महत्वपूर्ण था लेकिन यहां पे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आराम आराम से क्या होता है, जो पेशवा की शक्ति है वो बढ़ती जाती है और जो छत्रपति यानी जो साहू महाराज की शक्ति है वो कम होती जाती है। यानी यहां पे जो पेशवा का पद है वो महत्वपूर्ण हो जाता है और उसकी शक्तियां बढ़ती जाती है। और आपको जो बालाजी विश्वनाथ से रिलेटेड क्या याद रखनी है, जो पेशवा हुए बालाजी विश्वनाथ, इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है जो पेशवा हुए, जो छत्रपति साहू महाराज द्वारा पेशवा बनाए गए बालाजी विश्वनाथ, 1713 से लेकर 1720 जब तक इनकी मृत्यु होती है तब तक ये पेशवा रहते हैं और इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या होता है, जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनाए जाते हैं तो उसके बाद जो छत्रपति की शक्ति है वो कम होती जाती है और जो पेशवा है उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अब यहां से एक और क्वेश्चन निकलता है, देखिए जो शिवाजी द्वितीय थे जो छत्रपति राजाराम के पुत्र थे, तो देखिए अब यहां पे क्या होता है, जो साहू महाराज हैं वो तो शासन करते हैं 1717 में, और जो शिवाजी द्वितीय है वो शासन करता है कोल्हापुर में। जो शिवाजी द्वितीय थे वो कोल्हापुर में शासन करने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। देखिए अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगली बारी में हम जो मराठा साम्राज्य के पेशवा हुए उन सब के बारे पढ़ेंगे और उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए, वो सब जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी है, एक संधि होती है। देखिए जो छत्रपति साहू महाराज है जो 1707 में अपना राज्याभिषेक कराते हैं और 1749 में जब तक उनकी मृत्यु होती है तब तक छत्रपति रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, 1749 में जब छत्रपति साहू महाराज की मृत्यु हो जाती है
तो एक संधि होती है संगोला की संधि। आपको याद रखना है संगोला की संधि कब होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1750 में संगोला की संधि होती है और इस संधि में क्या होता है, इस संधि में क्या होता है आपको याद रखना है कि जो पेशवा का पद है उसको प्रमुख महत्व दे दिया जाता है, कि यानी उसको छत्रपति के पद से ऊपर मान लिया जाता है, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे, जो आगे छत्रपति बनते आ रहे थे, वो इतने प्रमुख नहीं रहते। संगोला की संधि में क्या बोल दिया जाता है, क्या होता है संगोला की संधि में, कि जो पेशवा का पद है वो प्रमुख होगा। पेशवा का पद प्रमुख, यानी जो पेशवा का पद है वो छत्रपति का जो पद था उससे भी ऊपर उसको बना दिया जाता है, और फिर पेशवा। और याद रखना है आपको, जो बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने थे 1713 में, तभी पेशवा का जो पद था वो वंशानुगत बना दिया गया था। इनके बाद पेशवा कौन बने, जब 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद पेशवा बनते हैं, इनके पुत्र बनते हैं, क्योंकि पद वंशानुगत बना दिया गया है। और इनके पुत्र कौन हुए, इनके पुत्र थे जो पेशवा बनते हैं बाजीराव, जिनके बारे हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। ये 1720 में मराठा साम्राज्य के पेशवा बनते हैं और 1740 तक मराठा साम्राज्य के पेशवा रहते हैं। 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये मराठा साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, यानी इनका जो जब ये पेशवा रहते हैं तो ये बहुत से युद्ध लड़ते हैं और उन युद्धों में जीतते हैं और मराठा साम्राज्य को बहुत बढ़ा देते हैं, बहुत विस्तार कर देते हैं। इनके बारे हम अगली वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे, सभी पेशवाओं के बारे कंप्लीट स्टडी करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।